एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम बस्ती जनपद पहुंची, जहां लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी राय ली गई। देखिए रिपोर्ट। तो मैं हूं धर्मेंद्र द्विवेदी, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की है। हम आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने में जुट गई है। हमारी चैनल भी, हमारा टीम भी आज इसी मुहिम में शामिल हो चुका है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार विधानसभा वार क्षेत्रों में जाकर लोगों की रुझान ले रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आ गए हैं बस्ती जनपद के विधानसभा 310 के क्षेत्र में, जहां पर घरसैया चौराहा है ये, जहां पर हम लोग जानेंगे, आज लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या मत है इस चुनाव को लेकर, क्या है। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ करते हैं, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आने वाली है? बदलाव कदर चल रहा है गुरु, समाजवादी पार्टी की सरकार जनता भी चाह रही है और समाजवादी पार्टी का जो पिछला कार्यकाल रहा विकास के सवाल पे रहा, उसी विकास के सवाल पे इस बार रिपीट कर रही है समाजवादी। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो सड़कों पे, बिजली पे, बहुत सारे विकास के मुद्दे पे वो आई थी, जो फेल रही। आप देख लीजिए इस नारंग रोड का हालत, शहर के तमाम रोडों का हालत देख लीजिए, बिजली की तारों का हालत देख लीजिए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, रोजगार है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जनता त्राय त्राय कर रही है। आज चारों तरफ तेल का रेट, सारे खाने पीने के सामानों का रेट आसमान छू रहा है। इस सवाल पे समाजवादी पार्टी की सरकार वापस आ रही है, जन मुद्दों पे, बिजली के मुद्दों पे, जैसे 300 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री किया है कि हमारी सरकार आती है तो हम निश्चित तौर से 300 यूनिट बिजली मुफ्त में फ्री रखेंगे। आप देख रहे हैं बिल का हालत, छोटे छोटे मकानों का 1000-1200 रुपया बिजली का बिल आ रहा है, ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसके खिलाफ जनता परेशान है, समाजवादी पार्टी की सरकार वापस इसलिए आ रही। अच्छी बात है, कुछ और मतदाता से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि सेन। रवि सेन जी, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आने वाली? लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार रहेगी? सपा की सरकार आने वाली है। सपा सरकार आने वाली है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका सर? ये हमारे भी नए मतदाता हैं। सर्विस जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार रहेगी? सपा सरकार रहेगी। आपको क्यों लगता है सपा सरकार रहेगी? क्योंकि सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ने नौकरियों को लेकर जो अभी हाल ही में प्रयागराज में जो किया है, लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे जो लोग नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर रूम में घुस घुस के उन्होंने बहुत लाठी डंडे से पुलिस वाले ने मारा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुलाब राम जी, क्या लगता है इस बार आपको किसको मौका देने वाले हैं? केवल अखिलेश और अखिलेश, सपा की सरकार बनेगी। क्यों, बसपा या कांग्रेस की लहर नहीं है सर यहाँ पे? नहीं, देखिए पिछला कार्यकाल जो सपा सरकार का उसको देखते हुए जो सपा की सरकार बनना तय है और जो वर्तमान में सरकार है, अभी हमारे प्रयागराज में जो हमारे बच्चे वहाँ जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनको घरों में जो है बंद करके अपने घरों में पढ़ाई कर रहे थे कमरों में, उनको दौड़ा दौड़ा के जबरदस्ती दरवाजा खोल करके मारा गया है। और उसके बाद में ये महंगाई अपने चरम पर है, जो तेल 70 रुपये लीटर था खाने वाला, आज 200 रुपये लीटर हो गया है। और तमाम चीज़ें ऐसी है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपये में बनता था, आज वो 5,500 रुपये में बनता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अखलाक हुसैन। हुसैन जी, क्या लगता है आपको इस बार किसको मौका देने वाले हैं आप? इस बार सर सरकार बदलनी चाहिए और इस बार हम बसपा की सरकार लाना चाहते हैं सुशासन के नाम पे। चलिए सर कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार रहेगी? फिर रिपीट करेगी भाजपा सरकार आपकी बात। भाजपा फिर रिपीट करेगी? हाँ। लेकिन यहाँ के तो लोगों का कहना है इस बार सपा सरकार। आइए, आज जो भी हो रहा है योगी जी मोदी जी बहुत देश के लिए करें और जनता जान रही है। क्यों सर, नेता जी क्या कहना है? हमारे भाई साहब तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार आने वाली है। चाचा भी फीस जमा करके हमारे यहाँ है, स्कूल में बंद है, बच्चे घर बैठे हैं और चाचा हमारे बहुत मिडिल क्लास हैं, इनको खुद मालूम होगा महंगाई कितना बड़ा है। और बड़ा मेरे लिए शर्म की बात है, अगर चाचा इस महंगाई से त्रस्त नहीं है तो भाई ठीक है। इनके घर में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा लखनऊ में ना, अभी इनके वहाँ जो इनका कोई बच्चा भी 18 साल का हुआ नहीं है। जब 18-20 साल का हो जाएगा, प्रयागराज जाएगा और वहाँ लाठी खाएगा, तब इनके समझ में आएगा, तब इनको पता चलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ और लोग बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मदेशिया जी, क्या लगता है किसकी सरकार रहेगी? बसपा की। बसपा सरकार रहेगी जी। महंगाई, MST बंद किए,
ट्रेनों को बंद किए, काफी रद्द किए, जनता परेशान हुई, इसी नाते बसपा की सरकार बनेगी, राजकिशोर सिंह मंत्री बनेंगे। चलिए सर, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इब्राहिम अहमद है। अहमद जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार रहेगी? अब क्या पता किसकी रहेगी, जिसकी किस्मत में रहेगी उसी की रहेगी। नहीं, जैसे आपको अगर मिलता है, अब माहौल तो देख ही रहे हैं आप आजकल का क्या चल रहा है, कहाँ का देश कहाँ पहुँच गया। अब हमको भी लग रहा है कि अब सरकार को थोड़ा बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? भैया हमारा नाम आशीष मिश्रा जी है। मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार रहेगी? सरकार तो अखिलेश भैया की बन रही है जी, समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और अच्छे सीटों से सरकार बनाएगी। बहुत अच्छी बात है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का मिला जुला सर है, लेकिन अधिकांश लोग कहना है कि सरकार बदलेगी। अब जो भी फैसला होगा वो मार्च 10 तारीख को फैसला आएगा कि इसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।